आज संजय सिंह को बेल मिलने से लोकतंत्र जरूर कुछ समय के लिए खतरे से बाहर आ गया और न्यायपालिका में भी त्वरित विश्वास बहाली हुई। लेकिन संजय सिंह को बेल अगर केस फर्जी होने का सबूत तो सिसोदिया को एक साल से बेल ना मिलना क्या बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी क्योंकि ईडी ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत का विरोध ही नहीं किया। संजय सिंह को जमानत मिल गई है और अब आम आदमी पार्टी के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। विपक्ष के विचारों में है इतना तेज और इतना बड़ा बदलाव आता है कि देखकर आश्चर्य होता है। कल अदालत के आदेश पर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के समय लोकतंत्र समाप्त हो गया था। आज अदालत के द्वारा संजय सिंह को जमानत मिलते ही लोकतंत्र विजयी हो गया। खुशी से नाच रही आम आदमी पार्टी ने कहा, संजय सिंह जी को बेल मिलने से यह साबित हो गया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता और विधायकों का मानना है कि यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिली है तो वहीं सरकार चलाएंगे। आपने कहा आज हमारी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल मिली है और आज एक खुशी का माहौल है। आज प्रमाणित हो गया है कि सत्य में देरी हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। मैं पार्टी को शुभकामनाएं देती हूं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को अपने वोट से जवाब देगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक ईडी अधिकारी ने आप पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए अन्य नेताओं से संजय सिंह की परिस्थितियां अलग थी क्योंकि 2021-22 दिल्ली शराब नीति को बनाते समय अरविंद केजरीवाल मुखिया थे तो मनीष सिसोदिया इस विभाग के मंत्री थे। इन अधिकारियों ने बताया कि चूंकि एजेंसी को लगा कि संजय सिंह के भागने का खतरा नहीं है इसलिए उनकी जमानत का विरोध न करने का फैसला आखिरी मिनट में लिया गया। अधिकारियों ने कहा, हम अब तक संजय सिंह की जमानत का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें उत्पाद शुल्क नीति में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। यह सच है कि पैसा बरामद नहीं किया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसमें शामिल नहीं है। पिछले साल 2 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक आरोप पत्र में दावा किया था कि संजय सिंह को अपने सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ रुपए प्रत्येक 1 करोड़ की 2 किस्तों की रिश्वत मिली थी। यह आरोप दिनेश अरोड़ा के एक बयान के आधार पर लगाए गए थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हमने महसूस किया कि संजय सिंह के भागने का जोखिम नहीं है और चूंकि वे दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है इसलिए केजरीवाल या सिसोदिया के विपरीत उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और केजरीवाल और सिसोदिया तो सीधे तौर पर इस नीति में शामिल है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।